डियर स्टूडेंट, आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों माना जाता है, क्यों तस्वर किया जाता है, क्यों समझा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों समझा जाता है। हाइड्रोकार्बन को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों समझा जाता है। क्योंकि बहुत से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम्स या एटम्स के ग्रुप से तब्दील करके हासिल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के अलावा और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को दूसरे एटम या एटम के ग्रुप से तब्दील करके हासिल किया जाता है। गोया हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम से तब्दील करके बनाया जाता है। अब मिसाल के तौर पर मिसाल हम देखते हैं, बिल्कुल ये देखिए, ये है मीथेन। अब इसके एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं। अब ये बनाते हैं क्लोरीन से, मेरे फर्ज तो ये देखिए हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, तब्दील कर दिया क्लोरीन से, तो एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया हाइड्रोकार्बन से। इसी तरह अगर इससे हम और बनाते हैं या इस तरह देखें हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं OH लगा देते हैं हाइड्रोजन का एटम का ग्रुप, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH लगा दिया, तो ये जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस हाइड्रोकार्बन से बनाया गया हाइड्रोकार्बन को तब्दील कर। इस तरह जो है यही वजह है कि हाइड्रोकार्बन को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है।